हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिक्वेटस ऑन। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसे हम लोग AMB बोलते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसको FME भी बोला जाता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसको EM भी बोला जाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बोला जाता है। ठीक, तो हम लोग जो अभी तक टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं आपका, ये जो चल रहा है अभी, हम लोगों ने पिछले बार देखा था लामिस थ्योरम देखा था। तो लामिस थ्योरम जो हम लोगों ने देखा था, वो लामिस थ्योरम हम लोगों ने सिर्फ उसका कंसेप्ट देखा था, समझे थे, लेकिन एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल लेंगे आज, प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन लेंगे आपका लामिस थ्योरम पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा आपका लामिस थ्योरम पे, उसको सॉल्व करते हैं और उसे समझते हैं कि आपका लामिस थ्योरम प्रैक्टिकली कैसे आपका क्वेश्चन आता है और कैसा पूछा जाता है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन आपका देख रहे हैं, ये आपका फिगर है, फिगर में आपका क्वेश्चन का डिटेल दिया हुआ है कि ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला ये गया है कि ये इलेक्ट्रिक लैंप है, ये जो आपका दिख रहा है मटेरियल वो है आपका लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप है या इलेक्ट्रिक बल्ब बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो वेट है वो है आपका 20 न्यूटन का वेट है, जो कि आपका ये दो स्ट्रिंग के सहारे, ये आपका जो दो दिख रहा है ये आपका स्ट्रिंग है, तो इस पे आपका क्या है, ये हैंग है, तो ये आपका स्ट्रिंग है, इस पे ये आपका क्या है, हैंग है, तो दो स्ट्रिंग के सहारे ये हैंग है, और ये आपका बल्ब दिख रहा है, तो वैसे ये इसका एंगल जो है 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। थोड़ा सा मेरा फिगर जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भावनाओं से परिपूर्ण है, इसलिए थोड़ा सा मेरा एंगल देखेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस लगेगा, बट क्वेश्चन में ये दिया है। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए, मेरा डायग्राम पे ध्यान मत दीजिए, मेरे बस सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये है आपका सेटअप है क्वेश्चन का। अब इसमें बोला ये क्या है कि आपको निकालना है ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन निकालना है, इसमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, फाइंडिंग द टेंशन। तो टेंशन आपका वैल्यू निकालना है, तो टेंशन क्या होता है, देखिए ध्यान समझिएगा कि टेंशन जो निकालना है वो होता क्या है, तो हमें निकालना क्या है, टेंशन, टेंशन निकालना है इन द स्ट्रिंग। तो हमको टेंशन जो निकालना है, बेसिकली आपका ये टेंशन होता क्या है ये समझिए, तो टेंशन कुछ है नहीं, बेसिकली आपका जो फोर्स है, जो आपका ये खिंचाव आ रहा है, जैसे ये आप मान लीजिए कि जब इस पे ये खींच रहा है तो इस पे आपका तनाव आ रहा होगा, तो वो जो तनाव आ रहा है दैट इज योर टेंशन। ठीक है, तो ये आपका टेंशन है, तो टेंशन इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, टेंशन क्या है आपका, इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स। तो ये आप मान लीजिए कि इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है। ठीक है, या वही जैसे हम लोग F1 F2 खेलते थे वैसे ही आपका T1 T2 फोर्स है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, हमको T1 और T2 का वैल्यू निकालना है। अब बात ये है कि हम लोग को इसको सेटअप करना है, तो सॉल्यूशन करना है, तो ये ध्यान से देख सकते हैं कि देखिए अगर मैं इसको अपने नॉर्मल फॉर्म में अगर लेके आऊं, नॉर्मल फॉर्म मतलब हम लोग जैसा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म में अगर मैं लेके आऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका मैं जो क्वाड्रेंट सिस्टम में लेके आता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा कि नीचे आपका जो है आपका कितना है भाई, तो नीचे आपका 20 न्यूटन का लोड है, तो 20 न्यूटन का लोड है, तो एक फोर्स ये हो गया। दूसरा आपका जो फोर्स आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि एक T1 आ रहा है और एक T2 आ रहा है, तो ये आपका T2 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया T2 एंड दिस वन इज T1। ठीक है, तो ये हो गया T1 हो गया, T2 हो गया। अब इसका एंगल हमको ध्यान से हमको लेके आना है। ठीक है, तो एंगल कैसे लेके आएंगे, ध्यान समझिएगा कि अगर मैं इसको एक लाइन ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूं, एक लाइन मैं स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ करूं, तो ध्यान से देखिएगा, ये 30 है तो दिस वन इज ऑल्सो 30, ये भी 30 डिग्री होगा, यानी कि यहां आपका एंगल कितना है आपका 30 डिग्री है। T2 का ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर मैं ये लाइन और ये लाइन को अगर ऐसे पैरेलल अगर मैंने डील किया, तो ये 60 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, तो सेम ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हम लोग क्या किया, रिजॉल्व कर लिया। अब बात ये आती है कि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास तीन फोर्सेस है, इसमें क्या है, तीन फोर्सेस है। क्वेश्चन में डिमांड है कि आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना भाई आपका लामिस थ्योरम, तो लामिस थ्योरम से सॉल्व करना, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन फोर्सेस है और तीन फोर्सेस पे ही लामिस थ्योरम अप्लाई होता है। तो चलिए लामिस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम लोग जो काम करते हैं कि हर फोर्स का आपका एंगल निकालना जरूरी होता है। ठीक है, एंगल बिटवीन फोर्सेस निकालना जरूरी होता है, तो हम लोग निकाल लेते हैं सारे एंगल के बीच के फोर्सेस। तो चलिए सबसे पहले इसका निकालते हैं, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये 30 और ये 90 है, तो ये कितना हो गया, 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो ये आपका हो गया एक एंगल यहाँ का। यहाँ की मैं बात करूं तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा आपका 60 प्लस 90 डिग्री, क्योंकि ये 60 और ये 90 है, तो ये हो गया आपका 150 डिग्री।
तो ये हो गया 150 डिग्री। अब ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो बचे वाले एंगल की बात करें तो ये 60 है तो ये बचा हुआ 30, और ये 30 है तो ये बचा हुआ 60, तो टोटल आपका ये कितना हो गया 90 डिग्री, यानी 60 प्लस 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये एंगल सारे हमारे निकल चुके हैं, अब ये एंगल निकल चुका है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लामीज थ्योरम। हम अपना रूल अप्लाई करते हैं, रूल क्या होता है आपका लामीज का, तो लामीज का रूल होता है कि हम लोग फोर्सेस पहले लिखते हैं, तो ये आपका लिख लिया हम लोग T1, T1 अपॉन साइन कितना होगा, तो ध्यान से देखिए आपका सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम ये कहता है कि जिस फोर्स को आप लेते हैं उस फोर्स को आप होल्ड कर लीजिए और बचे हुए दो फोर्सेस के बीच का एंगल आपका साइन के साथ आएगा, तो ये कितना आ रहा है आपका 120 डिग्री, तो ये आ गया आपका साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन। तो सेम प्रोसीजर T2 को हम लोग होल्ड करेंगे, इसके अपोजिट आपका क्या है 150 डिग्री, तो 150 डिग्री उसके बाद हम लोग क्या करेगा तीसरा फोर्स आपका 20 न्यूटन, 20 अपॉन आपका साइन कितना एंगल आएगा, तो साइन आपका आ रहा है 20 अपॉन आपका ये साइन 90 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। अब हमारे पास क्या है भाई, तो हमारे पास ये जो T2 और T1 है इसी को निकालना है, T1 और T2 को निकालना है, तो T1 और T2 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार T1 को इसके साथ इक्वेट कर देंगे, एक बार इसके साथ इक्वेट कर देंगे, तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। तो ये हम लोग T1 T2 निकाल लेंगे, तो T1 T2 निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग T1 को इक्वेट करते हैं आपका 20 से, तो कैसे इक्वेट होगा, ये आपका हो गया T1, ये हो गया आपका T1 साइन 120 इज इक्वल टू 20 साइन 90, सो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 अपॉन साइन 90 इंटू साइन 120, तो यहां से आपका T1 की वैल्यू आ जाएगी, T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, इसकी जो वैल्यू आई वो आ गया 17.32 आपकी वैल्यू आ गई है, जैसे कि आपका न्यूटन में है तो हमारी वैल्यू भी आपकी न्यूटन में ही आएगी, यूनिट आपका न्यूटन में हो गया, तो ये आपका आ गया T1 की वैल्यू आ चुकी है। नाउ सेकेंड इज हम लोग को T2 निकालना है, तो T2 के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लेते हैं, तो T2 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू 20 अपॉन साइन 90, तो सेम वे T2 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है आपका 20 अपॉन साइन 90 इंटू साइन 150, सो वैल्यू आपकी आ जा रही है, ये आ जा रहा है आपका T2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो ये आपका आ गया वैल्यू, T1 भी आ गया T2 भी आ गया, तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ये आपका वैल्यू आ गया, सो द क्वेश्चन इज टोटली सॉल्व। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड एंड कीप शेयरिंग, और प्लीज आप अपने दोस्तों को, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जिसको भी है, मतलब जिसको भी जरूरत है, प्लीज मैक्सिमम शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि देखिए जब तक हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग भी मटेरियल उतना खुशी से ला नहीं पाएंगे, तो हम आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है, आप भी थोड़ा सा हमारे हेल्प करें और मैक्सिमम सब्सक्राइबर मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।